दोस्तों वीडियो में एनालिसिस करने वाले बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर के बारे में। आज के दिन एक जबरदस्त अपने को मोमेंटम देखने को मिला। अराउंड स्टॉक 10% ऊपर की तरफ अपर सर्किट स्टॉक में लगा, क्लोजिंग है 149 रुपीज़ के पास। तो क्या यहाँ से एक ऊपर की तरफ मोमेंटम होना चालू हो चुका है या फिर एक फॉल देखने को मिलेगा, बात करते हैं। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो स्टॉक ने अराउंड अपने को मोमेंटम दिखाया जो कि अराउंड 135 रुपीज़ के पास से, और ऊपर के लेवल पे एक रेजिस्टेंस एरिया जो कि 150 रुपीज़ का लेवल है। तो अगर कल के दिन स्टॉक ट्राई करता है ऊपर की तरफ निकलने का और 150 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग दिखाता है तो स्टॉक में फ्यूचर में एक अच्छा अपने को मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिससे शॉर्ट टर्म सबसे टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे अराउंड 180 से लेकर 200 रुपये तक का। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 300 रुपीज़ से ज़्यादा तक का टारगेट अपने को बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ से फिर से 135 रुपीज़ के नीचे स्टॉक निकलते हुए दिखे, मे भी हो सकता है स्टॉक 120 से लेकर इवन 100 रुपीज़ तक भी आ सकता है। तो असल रहेगा 135 रुपीज़ के पास किसी को फ्रेश बाइंग करना है, करेंट लेवल पर बाई कर सकते हैं या फिर 150 रुपीज़ का ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।